एक दूसरे बोल रहे हैं यार नहीं चलते हैं ना। वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट अलाउ कर दे रहा है और यहाँ आकर के अचानक से बम फोड़ रहे हैं, बहुत टर्बुलेंस हो रहे हैं भाई। मत करना आपकी बात आ रही, लेट कर दिया। Hey guys, welcome back to another vlog. आज है हमारा डे एट है आज, क्योंकि आज हमारा चेकआउट है तो हम उस तरह से इसको काउंट नहीं कर रहे लेकिन है तो है। तो फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू पवेलियन। बेचारी उदास बैठी है, रील पे रील लगाई जा रही है, नहीं जाना आज सुबह उठे थोड़ा सा हेडेक हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा था, नींद तो अच्छी आई। नहीं वो तो खैर अलग है, ये अजीब सा वाला हल्का हल्का था हेडेक है वो, पता नहीं अचानक नींद खुद नहीं खुल जाती थी, कभी कभी सर ऐसा भारी सा हो जाता है वाला चीज़ है। तो अभी नाश्ता वास्ता करा है, नहा धो लिया है। चेकआउट टाइमिंग का 10 AM है लेकिन हमने कहा कि हम तो आराम से चेकआउट करेंगे, तो अभी लगभग 11:30 हो रहा है, निकलते हैं। 2 बजे का ड्रॉप है, तो नीचे फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे और फिर 2 बजे की ड्रॉप वैन आ जाएगी। ड्रॉप वैन है या कार है वो तो नीचे देखेंगे, फिर मिलते हैं एयरपोर्ट पे। फिलहाल तो अभी चेकअप फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। बैग आपको दोनों पैक हो गए, इनको पैक करने में बड़ी जहदत करनी पड़ती है भैया, दोनों को पैक करते करते घोड़े खुल गए, वो उसको बड़ी मुश्किल से बंद किया मैंने। सब कुछ पैक कर लिया, सोच रहे हैं ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ऐसी उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, हम लोग प्लान कर रहे हैं सब उठा लेंगे। हाँ सुने कह रही है पिलो तो अच्छे लग रहे हैं, ये उठा लेंगे। और बाहर का मौसम आज एज यूजुअल फिर से ख़राब हो गया, बस कल भर में ठीक रहा, आज फिर ख़राब हो गया। देखो बाहर बहुत ह्यूमिड और उमस हो रखी है भाई साहब, गर्मी गर्मी हो रखी है, आज खाली भी लग रहा है। कई लोग कल चेकआउट कर गए और हम आज जा रहे हैं, 6 बजे की फ्लाइट है, अभी पूरा दिन है, पर दिन ऐसे निकल जाता है, 7 दिन ऐसे निकल गए कुछ पता नहीं चला। हर दिन ऐसा लग रहा था कि अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 4-5 दिन है, उसके बाद आज 8वां दिन आ ही गया है। तो आराम से चेकआउट करते हैं, नीचे उतरते हैं, जब तक चेकआउट फॉर्मेलिटीज होगी कुछ गपशप करेंगे, तब तक ड्रॉप कार भी आ जाएगी सीधा एयरपोर्ट। चलो फिलहाल एक लास्ट मोमेंट चेकअप कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, जब बाद में जाकर कोई ध्यान आ रही है तो वो छूट गया हो गया। तो अपना लगेज गया नीचे, अब हम लोग भी उतरते हैं, रूम को टाटा बाबा करते हैं, चले चल लेते हैं। हमेशा यहाँ आते हैं ना जाने के टाइम पर हम लोग का मुंह बनता रहता है, अब तो यही है, खुद को दिलासा देना पड़ता है। ओह माय गॉड, चलो ऐसे चलते हैं और मिलते हैं फिर नीचे। पहले तो ऐसा तो फॉर्मेलिटीज वगैरह कर लेते हैं, उतरते हैं नीचे, फिर बाय बाय रूम, बाय रूम। चलो कीज ले लेते हैं, मौसम देख रही कितना बढ़िया हो रहा है, अब जाना है। मत बोलिए मत बोलिए, तो मौसम वैसा बना जा रहा है। ओ यार सच पूछो तो ना, थोड़ी देर पहले धूप थी, अब देख लो सेक्सी मौसम हो रखा है, और आज देखना बारिश भी पक्का होगी, बारिश पिछली बार हम लोग बीच पे चले गए थे यहाँ पे चेकआउट करके और लौट कर आए शाम में, और फिर एक दूसरे बोल रहे हैं यार नहीं चलते हैं ना। ये था हमारे साथ एक कपल आया था, वो एयरपोर्ट पे था, हम यहाँ वो कहता है सालो बता, खैर उनको तो जाना भी था, हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया था, बोल रहे चलो ठीक है एंजॉय करो, आज वही सीन हो रहा था वो, आज नहीं पर आज हम जाएंगे क्योंकि हमें हमारे काम भी देखने, पिछली बार ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं था, यहाँ पे गाड़ियाँ खूब पार्क होती हैं तो आराम से गाड़ी लेके आओ। अगली बार हम लोग अपनी कार से ही आएंगे, बेचारी वो वहाँ पे सूख रही होगी, गरिया रही होगी, चले जाते हैं मालिक बेवफा मालिक। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे चेकआउट, मतलब चेकआउट का हम 1:30 बजे ड्रॉप है, हम तो कहाँ जाएंगे, फालतू में भीग भाग जगह तो वही मुसीबत है, भगदड़ भगदड़। चलो कैब का वेट करते हैं, अभी वेलकम ड्रिंक मिली इसका मतलब वापस चेकिंग नहीं करना है, वो हम लोग स्पेशल हैं इसलिए हमें चेकआउट ड्रिंक भी मिलती है। हाँ मुझे पता था, तो यही सोच रही होगी कि वेलकम ड्रिंक मिल गई है तो हम लोग चेक इन ही कर लेते हैं। बहुत तीतर हो तुम, वेलकम नहीं है ये, बाय ड्रिंक है, बाय ड्रिंक। देखो आज कहा ही था मैंने, अभी सुनिए, अभी कहा था ना मैंने कि देखो आज जरूर बारिश होगी, और ये देखो
कसम से यार ऐसा क्यों होता है जब हम कहीं जाने वाले होते हैं तो ये आवाज सुनने के लिए तरफ गए। बहुत सही पता ही था कि आज बारिश, आज मौसम भी अच्छा रहेगा, बारिश भी हुई। भाई साहब ये चाह रहे हैं कि हम ना जाएं। सारा मूड बना रहे हैं, मौसम बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, तब सारा मूड खराब कर दिया। ओ भाई आज तो ये होके रहेगी। अरे यार इधर देखो सही मौसम हो रहा है यार, रूम साफ ही हो रहा होगा। हमसे कहते हैं ऐसा करो हम वापस जा रहे हैं। क्या वेदर हो रखा है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग का चेकआउट हो गया। अभी हम लोग अभी 1:30 बज रहा है, अब निकलते हैं एयरपोर्ट। थोड़ी देर पहले तो बारिश हुई थी, उसके बाद फिर से ह्यूमिड हो गया यहाँ पे भैया। एक मिनट में बारिश, एक मिनट में धूप, तो ये तो चलता रहता है मौसम में। तो फिलहाल अभी लगभग 1 घंटा मान के चलते हैं, 1 घंटा। तो अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो 1 घंटे बाद सीधा एयरपोर्ट मिलते हैं। बाकी रास्ते के एंजॉय व्यू करते जाओ, व्यू तो दिखाएंगे ही। तो गाइस हम लोग आ गए एयरपोर्ट, लगभग वही मतलब ना 2:30 बज गए। अभी अंदर एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी बैगेज दे देते हैं, सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, फिर सीधा लाउंज चलेंगे। लाउंज में कुछ लंच वंच करेंगे, तो अभी चलते हैं अंदर। तो भाई ये देखो कितनी बढ़िया तोप रखी है भाई। यहीं से तोप में सोचते अपना सामान लगा दे, सीधा दिल्ली। सही लग रही है भाई, बहुत सही लग रही है। ओ भाई साहब काफ़ी खाली खाली लग रहा है भाई। चलो फिलहाल तोप के पास फोटो वीडियोस हो गया, आप बैगेज दे देते हैं। बैगेज देने के बाद चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, उसके बाद लाउंज चलेंगे, खाएंगे। क्योंकि अब लग रही भूख, अभी 2:30 बज रहा है। ये भी एक सही स्ट्रक्चर लग रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं लाउंज खा पी करके, और अभी जब हम लोग सिक्योरिटी चेक इन कराई ना, और सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हम लाउंज गए। लाउंज में बस एंट्री कर ही रहे थे कि सुनने के बाद कॉल आया कि वो आपके बैगेज में कुछ बैटरी वगैरह कुछ है। मैंने कहा उसमें एक नहीं स्वाइपिंग मशीन है, जो पेटीएम की स्वाइपिंग मशीन आती है। बोला सर वो एक बार आकर के उसका डिक्लेरेशन दे दीजिए कि, मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ, सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट आप मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सिक्योरिटी पॉइंट पर आ जाइए। मैंने इससे कहा कि तुम अंदर लॉन्ज में बैठो, मैं वो करके आता हूँ। वो कुछ पूछ रहे हैं, लिखाना होगा कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाला वाला। मैं वहाँ गया, फिर वो नीचे गए जहाँ पे ट्रॉली में बैग कैरी होता है ना, वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है जहाज़ में चढ़ाने से पहले। एक गाय नीचे एक वो होता है, मतलब एक रूम होता है, वहाँ पे सारे बैग पर चेकिंग किए जाते, वो स्क्रीनिंग की जाती है। वहाँ गया तो वहाँ देखा, जैसे नहीं आप एक तरह से समझ लो आप कि कस्टम वाले होते हैं ना, कस्टम वालों की तरह ही मतलब कुछ था जो बैग चेक करते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, पुलिस वाली भी थी, सब बोर्डिंग पास का डिटेल वगैरह लेकर के फिर बैग खुलवाया। कि मैंने कहा कि इसमें ये पेटीएम की स्वैपिंग मशीन है जो हम हर बार इसी चेक इन बैगेज में ले जाते हैं। इवन दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उन्होंने किसी ने भी नहीं रोका है, अगर पूछते भी हैं तो हम बता भी देते हैं कि हाँ इसमें है, तो वो अलाउ कर देते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ, बोला कि नहीं वो रैंडमली है, ये है वो है, और भी इसमें कुछ है। मैंने हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क दिखा दी। मैंने कहा ये सब चीज़ें अगर आप तो अगर वहीं एक एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे बता दो ना, तो हम वो दोबारा फॉलो ही नहीं करेंगे ना, ताकि इतना हैसल नहीं होगा। आपने वहाँ मतलब वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट अलाउ कर दे रहा है,
और यहाँ आकर के अचानक से बम फोड़ रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो है। भाई वहाँ पर ही अलाउ मत करो यार, इससे क्या होता है मुझे कितनी परेशानी है। आपको पता है कि हम लोग, एक तो मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ ना, व्लॉगिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, इनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं रखने की। हमने वहाँ रखा, हम वहाँ गए, ट्राईपॉड रखा हुआ, ट्राईपॉड को एडजस्ट करने में देखो यार इतनी सारी चीज़ें बैग में कैरी करना बड़ा मुश्किल लगता है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि हाथ पर भी दर्द हो जाते हैं। नहीं लोग कैरी करते हैं, हम लोग, मैं क्या सोचता हूँ जितना ज़्यादा सामान हो सके उसमें चेक इन बैग में डाल दो, और जो यूज़ किया है, जो हमें अभी चाहिए वो हम बैग में रख लेते हैं। अब इसका फ़ोन आ जा रहा, अब मैं वहाँ बहस कर रहा हूँ उससे, मैं उससे यही पूछ रहा था कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ पे बैग स्क्रीन होते होंगे या नहीं होते वहाँ पे, लेकिन नहीं वहाँ, मेरा पॉइंट वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे, बोल रहे कि देखिए सर मैं बर्दाश्त कर रहा था देर से। मैंने कहा देखो कस्टमर भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही वो सब चीज़ें वहाँ पे भी उन लोगों को देखना चाहिए था। ये सब बहसबाजी चलती रही, फिर वो सारा सामान निकाला, दोबारा चेक कराया, फिर स्क्रीनिंग करी, फिर मैंने पैक किया, यार कितना अच्छे से पैक किया था, सब चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, फिर पैक किया, अपना साइन वन किया और फिर वापस आके लाउंज में बैठे, खा पी लिया, फिर बाहर आ गया। मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, इतना ऑफ हो गया ना कि मैंने कसम से क्या बताऊँ, मैं ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, मूड ऑफ हो गया। खैर चलो कोई नहीं, अभी 4 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, अभी वेट करते हैं, उसके बाद गेट के सामने ही बैठे हुए हैं, 4:30 बजे बोर्डिंग, 5:30 बजे शायद बोर्डिंग होगी और फिर फ्लाइट में मिलते हैं। चलो फ्रेश हो गए भैया, फ्रेश हो गए, बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा लग रही थी यार। चलो मैंने कहा चलो बोल लेते हैं, मुँह आ जाओ, बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। अब 2-3 घंटे फ्लाइट में बैठेंगे आराम से, फ्रेशनेस आएगी। फ्लाइट में जब ज़्यादा होता है ना टेंशन होती है, क्योंकि फ्लाइट में तो यार बैठ जाओ विंडो सीट पर तो फिर आयल वाले को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो फिलहाल तो फ्रेश हो गए, 3 घंटे और आराम से बैठेंगे फ्लाइट में। चौकस ये रखना, पहले फ्रेश हो लो, आराम से बैठो। सही लग रहा नहीं, छोटा सा एयरलाइंस, एयरलाइंस एयर इंडिया गई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, छोटी फ्लाइट। अभी हम लोगों ने खूब सारे प्लेन्स के वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाई, अच्छा लगता है, क्रेज़ है, क्या करें, ट्रेन का भी क्रेज़ है, इसका भी क्रेज़ है। तो फ्लाइट हमारी आ गई, यही वापस जाएगी, तो चलते हैं बोर्डिंग पॉइंट पर, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे और हमारा सामान पहुंच जाएगा। फाइनली गाइस हम लोग आ गए फ्लाइट में, और वॉच मैंने उसी में ऊपर रख दी बैग में, और बैग ऊपर रख दिया, वॉच उसी में चली गई, तो वो उसमें रखी हुई है। अभी लगभग 6:30 बजे डिपार्चर होगा, तो लगभग 8:30 बजे तक ये दिल्ली उतारेगी। अभी मौसम तो साफ है, लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, तो वो क्लाउड मिलेंगे, तो कोई नहीं, फिर व्यू दिखाते हैं वहाँ पर आप आराम से। इस बार विंग के पास ही सीट मिली तो यहीं कर ली, चलो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है बाहर, क्लाउडी क्लाउड मिलेंगे आते हुए भी और जाते हुए भी। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है। क्या कहते बारिश हो? नहीं। क्यों? और वो दूर सामने फ्लाइट आ रही है, फ्यूल तो हो गया भाई, 1 रुपये लीटर देते हैं यार, ये पता करो उनसे, और ये एवरेज कितना देता है प्लेन, आप कुछ कहना चाहेंगे कितना एवरेज देता होगा ये? मैं अपनी वॉच उसमें बैग में ही छोड़ दी, क्यों? उसमें क्या था ना, बाथरूम गया, बाथरूम तो बैग में रख दिया, क्या ही करना तुम्हारा है ना, तुम्हारी वॉच है ना, तुम्हें किस लिए गिफ्ट की थी। हाँ कितना बजा अभी? बहुत अच्छा है, जता रहे हो 5:50 होने वाले हैं। चलो सामने एक प्लेन आ रहा है, उसको देखते हैं कैप्चर करते हैं। हम तो सोच रहे हैं एक प्लेन खरीद लें, आने जाने का, बैगिंग चेकिंग कराने का, ये भसड़ करने से बेटर है कि हम एक प्लेन खरीद लें। गाइस फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और इतना सब कुछ कर दो कि हम प्लेन ले लें, फिर आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड टिकट्स। अरे हम ठेके वालों को भी, उनको और ठेके भी दे देंगे, हम अपने लिए प्राइवेट खरीदेंगे, बड़ा वाला, प्राइवेट जेट, छोटा नहीं बड़ा वाला, बोइंग 777 खरीदूँगा।
राज सोनिया एयरलाइंस की शुरुआत जल्दी कर देंगे। आमीन। चलो ऑलमोस्ट टाइम तो हो ही गया टेक ऑफ का। बाहर बारिश हल्की हल्की बौछार आई है। अगर अच्छा सा मौसम रहता है तो बढ़िया वीडियोस आएंगे, बढ़िया सा वीडियो आएंगे। बाहर निकलूंगा मैं, करूँ बाहर बारिश कम होगी ना तो अच्छा व्यू आएगा, नहीं तो बारिश में वो विंडो वैसे भी शेड्स यहाँ के अटरम ही होते हैं। अब बाहर उतर के मैं इससे कह भी नहीं सकता जा करके साफ करो। चलो टेक ऑफ हो जाए, हो गया फाइव। Requesting all ground personnel to kindly pack their bags. We are ready for departure. Thank you. We are ready for departure. Thank you. You're welcome. अच्छे से टेक ऑफ करना और अच्छे से लैंडिंग कराना ना, भले 100-200 रुपए ज्यादा ले लेना लेकिन अच्छे से लैंड करा देना। Cabin thermal doesn't cross check. चलो पुशबैक स्टार्ट हो गया। ज्यादा तारीफ कर रही थी लास्ट टाइम हमने, मत करना आपकी बात तारीफ। लेट कर दिया सर, जो लैंडिंग टाइम है हम ऊपर हैं। चलो देखते हैं कितना टाइम करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं लैंडिंग, और लैंडिंग अभी दिखाते हैं बाहर, क्योंकि बहुत देर में जा करके कैप्टन साहब ने ये लाइट डिम की हो तो बाहर को दिखता ही नहीं है। और देखो बाहर भी लाइट आ गई, दिल्ली में लाइट आ रही चौकस आ रही ना। चलो बाहर का व्यू एंजॉय देख करते हैं और आपको लैंडिंग दिखाते हैं। फाइनली बाहर निकल आए, सर भी चलते हैं, वॉशरूम हो लिए, सोने गई है, फिर चलते हैं आगे ना, बैगेज कलेक्ट करते हैं फटाफट से, कैब बुक करते हैं, निकलते हैं घर। बाहर बारिश हो रही है तो ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। अभी 9:05 हो रहे हैं, लगभग 11 बजे तक घर पहुंच ही जाएंगे। सवाना हो गए, बैगेज अभी तक नहीं आया, बैगेज वेट करते हैं कम से कम 20-25 मिनट तो ये खा जाएगा। उसके बाद कैब भी करनी है बहुत कुछ, मुझे लगता है यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर कैब पकड़ते पड़ते 10 बज जाएंगे। आ जा भाई जल्दी आ जा भाई जल्दी आ जा, अभी तो दूर तक नज़र नहीं आ रहा।
लोग पौने दस होने का आ रहे हैं। हम लोगों ने ले लिया कैब। अब यहाँ बारिश भैया बाहर बारिश हो रही है ना, बारिश हम कैब के लिए आ रही है। नहीं नहीं वो तो खैर नहीं, वैसे वाले कपड़े वाले बैग ना वो खराब होते हैं फिलहाल। बाहर हो रही है बारिश, यहाँ गर्मी हो जाती है ना, बेसमेंट में पूरा पैक रहता है, तो वैसे कुछ एग्जॉस्ट फैन टाइप आना चाहिए। बाहर तो कितना चिल आउट मौसम था, अंदर आते ही भाई गर्मी मिला। कोई एक डेढ़ घंटा लगेगा, एक डेढ़ घंटे में मिलते हैं घर। बड़ा जाम लगा है, जबकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग कर दिया, फिर भी बहुत जाम है। पसीना पसीना हो गया। चलो भाई घर पहुँच के मिलते हैं। फाइनली गाइस घर आ गए हैं, 10:30 हो गया। रास्ते में वही ट्रैफिक वगैरह तो रहता है, बारिश की बात तो वैसे भी ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, तो थकान भी जाती है और गर्मी इतनी हो जाती है, क्योंकि इतना सामान वहाँ चढ़ा के लाओ तो हीमेट हो जाती है, घर भी बंद रहता है तो बहुत हीमेट हो जाती है, तो भी बहुत थकान हो गई। अभी थोड़ी देर में देखेंगे खाने पीने का क्या करना है, उसके बाद खाएँगे पियेंगे आराम से और जल्दी सो जाएँगे। तभी फिलहाल ये सब देख लेते, कोई घर एकदम फैला पड़ा हुआ है, बैग वगैरह ट्रॉली बैग वगैरह सब वैसे ही रख दिए हैं, बस कपड़े उतार के आराम से बैठा हूँ ताकि थोड़ा एसी वीसी चलाया, थोड़ा सफोकेशन हो जाती है होने के लिए, थोड़ा सा पसीना वसीना सूखे, उसके बाद कुछ खाने पीने का देखते हैं।